हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूँ एक और नई गेम प्ले सीरीज के साथ, और इस भी गेम प्ले सीरीज में हम लोग मचाएंगे तब भाई जैसे हर बार मचाते हैं। तो भाई इस गेम प्ले का नाम है, इस गेम का नाम है बायोशॉक। तो चलो बायोशॉक खेलेंगे आज से। मीन्स अब से इस गेम पे भी हर दिन वीडियो आएगी और ज़रूर आएगी। तो भाई अभी तो हम लोग पेड़ में बैठे हुए थे और ये अपने आप से बात कर रहा था और बोल रहा था कि मेरे फादर कहते थे कि हम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। तो ये बोलता है कि वो सही बोल रहे थे, पता नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पे गेम का नाम लिखा चुका है बायोशॉक। भाई मेरे को तो भाई नाम सुन के बहुत इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है। और भाई मेरे को पता था कि हमारा प्लेन क्रैश हुआ है क्योंकि वैसा साउंड आ रहा था। तो अभी हम लोग हैं पानी के अंदर, अब पानी से बाहर निकल लेंगे या नहीं निकलेंगे, या पानी में डूब के मर जाएंगे, कौन जानता है भाई, ना हम ना तुम ना कोई ना। देखते हैं आगे क्या होता है। और भाई मेरे को यहाँ से ऊपर में थोड़ा आग चलती हुई दिख रहा है। भाई पानी ही है ना, पेट्रोल वेट्रोल ही ना है, पेट्रोल का कुआं। देखो भाई ये हमारे एरोप्लेन का पार्ट नीचे जा रहा था। और भाई जैसा मैं सोचा ऊपर में आग लगी हुई है। मेरा पूरा कन्फर्म था कि ऊपर में आग लगा हुआ है। लेकिन भाई एक चीज़ मेरे बताओ, पानी में आग कैसे लग सकता है मेरे भाई? हाउ इट इज़ पॉसिबल बताना यार। पानी में भी आग लगती है, मेरे को पता नहीं था मेरे भाई। और भाई मैं और ये आग बढ़ भी रही है पर मिनट। देखो भाई इतना स्पीड है, मतलब भाई गेम शुरू होने से पहले ही हमारा गेम एंड हो जाएगा क्या? मैं इधर जा रहा हूँ तो इधर लग रही है भाई, मैं उधर जा रहा हूँ तो उधर लग रही है, और सामने एक और प्लेन है। भाई कितने प्लेन थे यार, होगा दो चार प्लेन तो हो गए। और फिर ये आग बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये प्लेन, और हमारे पीछे उस टाइम बिल्डिंग था जहाँ तक मैं देखा था, एक यूनिक्स का घर था, वॉच टावर बोलते हैं ना इसको, मे बी, पता नहीं भाई, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। पर मेरे ख्याल से इसको वॉच टावर ही बोलते हैं। और ये शिप को रात में रास्ता दिखाने के लिए यूज़ हुआ जाता था, पता नहीं अभी भी होता होगा, आई डोंट नो भाई, क्योंकि मैं आज तक कभी शिप पे बैठा नहीं हूँ। तो फिर अब भाई यहाँ पे मेरे को आगे सीढ़ियाँ दिखी, तो मैं सीढ़ियाँ पे चलने लगा। जल्दी जल्दी चलते हैं भाई ऊपर। भाई पर मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आया, मैं अंदर क्यों गया डायरेक्ट, आई डोंट नो भाई। और भाई फिर ये गेट भी बंद हो गया यार, मैं मतलब कोई हॉरर गेम खेल रहा हूँ क्या मैं? भाई इसका साउंड भाई बहुत ओपी गेम है भाई, भाई ग्राफिक्स इसके बहुत ओपी है, रियलिस्टिक टाइप के हैं साउंड भी। तो फिर भाई ऐसे क्यों डरा रहे हो यार, लाइट जला रहे हो, मैं जैसे नीचे जा रहा हूँ ऐसे मत करो भाई मेरे। चलो और नीचे चलते हैं। अब भाई मेरे को वो दूसरा सीढ़ी भी लाता ऊपर ही जाकर, पर मैं एक बार चेक कर लिया कि दोनों सेम ही जगह पहुँचाएगा, नहीं तो फिर हम लोग गलत आ जाएंगे ना मेरे भाई। पर फिर मेरे को पता चला भाई हम सही आए थे। और यहाँ पे भाई हमें बैठने का इजाज़त मिला नहीं, तो अब भाई ये मचाक हो रहा है क्या भाई? ये पानी के अंदर डायरेक्ट जाने का, भाई यार मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल भी नहीं है भाई। पर क्या क्या सीनरी है भाई यहाँ पे, भाई मतलब इन लोग अंदर ही में एक प्लांट उबा दिए थे। ओ पी भाई साहब, भाई क्या देख रहा हूँ मैं, भाई पानी के अंदर एक शहर बसा हुआ है भाई, क्या मजाक हो रहा है क्या ये? भाई लगता है ना बहुत पहले यहाँ पे ये आया होगा, बाढ़ आया होगा तो ये पूरा शहर ही को लेकर डूब गया। पर भाई अभी भी लाइट जल रही है, मतलब वाटर प्रूफ लाइट भी किया, मजाक कर रहा हूँ। नहीं भाई फिर बिजली यहाँ पे कैसे आ रही होगी, आई डोंट नो मैन, पता नहीं यार। भाई अगर आप लोग भी ऐसे कोई शहर के बारे में जानते हो जो पानी के अंदर डूब गया तो प्लीज़ यार मेरे को बताना, हम मेरे को वो सब चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। तो फिर अब मैं नहीं, ये क्या है पता नहीं है, क्या बोलें इसको, एक उड़ता हुआ सबमरीन बोलते हैं, सबमरीन। अब भाई यहाँ पे लिखा हुआ था ऑल द गुड थिंग्स आर हियर ऑफ द अर्थ फ्लोस। चलो देखते हैं अंदर क्या सीन है।
अब धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे जाने लगे तो भाई अब यहाँ से होता है मेरा डर स्टार्ट। भाई मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, अभी ऊपर ऊपर मैं अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो जैसे मैं ऊपर पहुंचा तो भाई मेरे को बहुत भयानक भयानक आवाज़ आने लगी और सामने एक मेरे चुड़ैल दिखी। पता नहीं क्या बोले भाई, चुड़ैल ही ना बोलेंगे, कन्फर्म उसका चेहरा भी नहीं दिखा, तो चुड़ैल ही बोलते हैं। हाँ चुड़ैल नहीं, बिल्ली बोलते हैं, बिल्ली। उसका शेप भी बिल्ली टाइप का था। एक बिल्ली दिखी और वो एक इंसान को मार दी शायद, जहाँ तक हमको लगता है। और फिर वो लगता है मेरे को भी देख ली, इसलिए हमारे ऊपर भी अटैक कर दी। अब भाई ये लता हम लोग देखी और ऊपर से हमारे ऊपर अटैक हो गया। पता नहीं लगता है ना ये हमें यहाँ से भागने नहीं देना चाहती, इसलिए ये वाला अटैक की। नहीं तो भाई देख, जो इस वाले मशीन में छेद कर सकता है वो तो भाई हम तो हमारे अंदर भी छेद ही कर ही सकता होगा। तो फिर अब जल्दी से हम तो भाई नीचे उतरेंगे, हम तो इसी में बैठेंगे भाई 24 घंटा, अगर वो हमें नहीं मारी थी तो। लेकिन भाई फिर गेम में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए तो ये गेम बनाए यार, तो गेम का बेइज्जती नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अभी तक तो मेरे को गेम बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग भी गेम खेलना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बताना, मैं अगली वीडियो की लिंक दे दूँगा, ठीक है? तो वहाँ से फिर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इसको। और भाई मैं एक ऐसी वेबसाइट का नाम जानता हूँ जहाँ पर ऑलमोस्ट आपको हर एक गेम मिलती है। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता दें कमेंट्स में यार, तो मैं अगली वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा उसका, जहाँ से आप कोई भी गेम, ऑलमोस्ट सारे गेम वहाँ पे मिलता है, जैसे GTA 5, GTA 4, एंड्रियास और बायोशॉक, फायर क्राई 3, क्राइसिस 2, ऑलमोस्ट सारे गेम मिलता है। तो बता देना अगर आपको चाहिए होगा तो। अब भाई सामने ये पता नहीं मेरे ऊपर हमला करने आई थी या नहीं, फिर पता नहीं भाई ऊपर से क्या टपकने लगा, ये कहाँ से आ गया कुछ पता नहीं मेरे को यार। मेरी उसके ऊपर फायर क्यों कर रहा था ये भी नहीं पता था। अब देखते हैं भाई आगे क्या होगा। अभी तक तो भाई गेम में बहुत सस्पेंस है, बहुत मज़ा आ रहा है यार। तो फिर अब आगे देखते क्या होगा। अब भाई वो चीज़ चला जा चुका है, अब सामने भाई मेरे को एक मिल जाती है स्लायर, स्लायर जो भी हो, इससे हमें ऑर्डर आते हैं कि इसको तोड़ो, बैठो और उठो और भागो। और भाई ये कौन पाउडर आदमी मेरे ऊपर ये फेंक देता है? देख भाई मेरे को पहले से पता था, मतलब कोई फेंकने वाला तो बंदा तो होगा, ये मेरे पर कूदे मैं उसके ऊपर से इसके दिया। जो हमसे तेजी करेगा वो पक्का मारेगा। अब इसका चेक इन किया, इसके पास क्या क्या है, फर्स्ट एड किट था और एक पता नहीं क्या था। अब भाई मैं आते शीशा तोड़ा, अब फॉर्म में आगे जाने लगा। अब फॉर्म में आते जाते जाते भाई मेरे को पता नहीं कब जाना था। तभी मेरे को ना यहाँ पे एक ऑप्शन आया, तो मैं उसको क्या था फिर यार, मेरे भी कुछ मिला। और भाई देख मैं पता नहीं यहाँ पे क्यों दबाया ये, और भाई दबाने से तो भाई बहुत मज़ा आया। भाई क्या कर रहा है यार, भाई तू करना क्या चाहता है? भाई नहीं यार, नहीं मत कर। ओ भाई शर्म आना चाहिए भाई, हाथ में करंट दौड़ रहा है इसका। भाई जिसको ये छुएगा वो तो मर ही जाएगा, पता नहीं ये भी जिंदा रह गया नहीं। लगता है अपना गेम हो चुका है ओवर, जहाँ तक मेरे लगता है मेरे भाई। और भाई तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ये गिरा सबसे नीचे। अब भाई दो बिल्ली आई थी, हमारा बेइज्जती करेगी और चली जाएगी। पहले तो एक बिल्ली आती है, फिर ये अपना चमचा को बुला के लाता है। अपना चमचा को बुलाने के बाद तो बहुत मज़ा आता है ना, शोर नहीं तो। ए बिल्ली के बच्चे हिम्मत तो लड़ मेरे से, एक बार उड़ जाएंगे ना बाबू तो तुम दोनों को मारेंगे। बिल्ली के बच्चे दोनों तेजी दिखा रहे हैं। अब भाई अब पता नहीं तो रोबोट कहाँ से आता है, वो आता है तो उसकी वजह से ना पूरी धरती कांपने लगता है मेरे भाइयों और भाइयों। भाई पता नहीं क्या होता है यार ये सीन, पूरा धरती कांपने लगता। देख यार आ गया, और ये बुला के लाए पता नहीं किसको, लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी डॉन है
इसको बुला के लाइए, देखते आगे क्या होने वाला है यार गेम में। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को खेलते हुए। और भाई आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखो यार, क्योंकि अभी भाई गेम बहुत ज़्यादा सस्पेंस बाकी है। और आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही हर दिन दो चार वीडियो डालूँ हर एक न्यू न्यू गेम पे, और ऐसे भाई आज से मैं दो तीन गेम पे और वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा, तो भाई प्लीज़ यार वो सब वीडियो को भी मिस मत करना। तो चलो देखते हैं। और भाई मेरा ये मिल गया था मेरे को भाई, क्या ओपी चीज़ मिल गई ना। पर भाई उसके लिए शौक भी खाना पड़ा अपने को, बैड लक। और भाई ये अपना ही प्लेन ना पा के पता नहीं भाई कैसे भरी है। अबे मेरा कैरेक्टर ही पनौती है, जहाँ ये जाता है वहाँ बाढ़ आ जाता है, कभी जो बिल्ली आ जाती है, कभी जो रोबोट आ जाता है जो भाई 100,000 किलो का हो, 10,000 किलो का, पता है क्या मजाक चल रहा है इसके साथ। और देखते हैं भाई आगे क्या करना चाहिए अपने लोग को। और यहाँ पे भाई जैसे ही गेट खुलता है हम लोग चलते हैं अंदर और फिर मचाएंगे तवाई जैसा हम मचाते हैं मेरे भाइयों। और भाई यहाँ पे मेरे को एक बार ये मिल गया था, मिलने के बाद हम लोग आगे जा रहे थे, तभी मेरे को एक और बंदर मिला। फिर अब इसको चेक किया इसके पास क्या क्या है, एक फर्स्ट एड किट और वाई सिम जी मिला। तो फिर भाई फिर अब हम लोग को एक और बंदर चूहा मिला, उसको भी अपने लोगों ने मारा बुरी मौत। अब देखते हैं बाकी क्या करना है। अब फिर आगे मैं जाने लगा भाई, आगे जाते 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 अभी बहुत एक बंदा अंदर से जलता हुआ आ रहा था मेरे पास। पर भाई जलता हुआ में भी मेरे को मारना चाहता था यार, मेरे से हेल्प मांग देता तो मैं तेरे शॉक लगा के पानी दे बच जाता शायद, मे बी दुष्ट है इंसान सब लोग। और भाई मैं इसके अंदर बैठा क्योंकि मेरे रहा चलेगा कहीं। अरे भाई निकला हमारा फेवरेट लिफ्ट। और भाई बताना अगर आप लोग कोई अपार्टमेंट या कहीं जाते हो तो आप लोग लिफ्ट का यूज़ करते हो सीढ़ी, तो भाई अगर लिफ्ट का यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, सीढ़ी की यूज़ करते हो तो और अच्छी बात है। तो लेट्स गो पब्लिक। अब यहाँ पे भाई हमें एक गन भी मिल चुकी है। अब तो भाई आप लोगों को गन ही से सपोर्ट होते हैं, पर गन की एमो भी तो होनी चाहिए यार और जी। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे, जल्दी जल्दी चलते हैं। और भाई अंदर मेरे को बहुत सारे बंदे मिलेंगे जो हमारे ऊपर बस अटैक करने के बारे में सोचेंगे, तो पर हम लोग उनके भी निकलते हैं अटैक, तो हम लोग उन्हीं के ऊपर कर देते हैं अटैक बेस्ट लाइन। और भाई देखो मेरे को वही बच्ची दिखी जो उसे मेरे सपनों में आई थी, मेरे नहीं भाई मेरे इस कैरेक्टर के सपनों में आई थी और इसको डरा के भाग गई थी जो रोबोट के साथ आई थी। जी हाँ सही पहचाना आप लोगों ने। तो फिर अब मैं नीचे जाता हूँ। तो नीचे जाने के बाद अभी बहुत ज़्यादा भाई मज़ा आएगा इस गेम को खेलने में। ये बच्ची पता नहीं उसके साथ क्या कर रही बिल्ली के साथ, पता नहीं क्या कर रही है। अब यहाँ पे आ गया जुड़वा बिल्ली, इसको हमारा एक छाप। पर वो बच्ची चिल्लाई अभी ऊपर से आवाज आने लगा और ये मॉन्स्टर टूट गया भाई। ये मॉन्स्टर बोले ये क्या बोले रोबोट भाई साहब, ओ भाई मैं डर गया यार, मैं मजाक नहीं कर रहा मैं डर गया। अबे तेरी ये मेरे को भी मारेगा मेरे को लग रहा है, मत मारना भाई मेरे को। नहीं ये तो छोड़ के चला गया। रहता है वो बच्ची का दोस्त है फ्रेंड है, पर यहाँ भी कोई लोग फ्रेंड होते हैं क्या भाई। अभी तो मैं जितने भी पीसी गेम खेला हूँ यार, GTA 4 GTA San Andreas वन ऑफ द माई बेस्ट गेम है भाई ये BioShock। प्लीज़ यार इस गेम को ट्राई करना अगर आप लोगों ने आज कभी तो ट्राई नहीं किया। पीसी के लिए भाई लैपटॉप के लिए आराम से लो एंड पीसी में चल जाएगी क्योंकि मेरा भी सेम कंडीशन है। और भाई फ़ोन का पता नहीं, देख लेना भाई यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू डाउनलोड तो डाउनलोड कर लेना।
अब भाई यहाँ से बंदे मेरे ऊपर आना इतना स्टार्ट होते हैं, मैं क्या बोलूँ मेरे भाई। और फिर बहुत मज़ा आता है भाई ये गेम को खेलने में, बहुत सारे बंदे अपन लोग मारते हैं, बहुत सारे बंदों से मरते हैं भाई, यही तो है गेम का नियम। तो भाई जितने बंदे मारते हैं ना उसको वापस करते नहीं है। भाई आई थिंक भाई बहुत इंटरेस्टिंग गेम है भाई ये। अब ये बंदा को मैं भाई मेरे को जाना था आगे, यहाँ पे लग गया लॉक, मैं बंदे रेड भाई, जैसे हम लोग मूवी में नहीं देते थे कि जैसे चोर चोरी करने जाते थे तो वहाँ पे रेड चलता था तो एक लेजर लाइट आ जाता था, अगर हम लोग उसमें टच होते तो कुछ हो सकता था, फायरन बजने लगता। वैसे भाई जैसे हम उस लाइन के आगे जाते हैं यहाँ से आग आने लगती है, फायर फायर और फायर। फिर अब हम लोग जाते हैं वापस और भाई यहाँ पे बंदे हैं, 8-9 बंदे आ जाते हैं मरने के लिए, क्योंकि अपने कोई मार नहीं ना पाएगा ये भाई। जितने भी गेम बनते हैं भाई उसमें सबसे मजबूत करेक्टर आपका ही होता है जो हम लोग कंट्रोल करते हैं, आगे साथ में नमूने होते हैं, क्या बोलते हैं पब्लिक। अब भाई इसका तो भाई मैं बच गया, इसको मेरी मौत होता। अब भाई उधर से गन चला रहा है, लोग गन चलाने स्टाइल ही दूसरे बिल्ली लोग का, सीधे हेड पे पट से हेड शॉट। तो अब इसको भी लूटने के बाद सबको मैंने लूटा, क्योंकि भाई अपने को सब कुछ चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए वो भी। अब भाई हमें जाना था सामने, हम जा ही रहे थे तभी हमारे साथ हो जाता है ट्रैप, रेडियो पे ये बोलता है कि तुम ऐसा हो चुका है ट्रैप, अब तुम निकलो घर। अब भाई यहाँ पे वो मूवी वाला आ जाता है, तो भाई मैं ये सीन स्किप कर देता हूँ और इस गेम में मैं अभी तक कुछ भी स्किप नहीं किया हूँ, तो भाई मेरे लिए तालियाँ बजा दो यार, मजाक कर रहा हूँ मत बजा यार, बस लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि भाई तो मोटिवेशन चाहिए तभी तो आज नया वीडियो लाएगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय गाइस। Thank you.